हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआईवाई होने वाला है और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है डिफरेंट डीआईवाई ट्राई करने में। तो आज के डीआईवाई के लिए मैंने लिया है रेजिन और सारा डीआईवाई, आज के जितने डीआईवाई हों वो रेजिन से ही बनाने वाली हूँ। तो ये रेजिन मैं इंडिया से लेकर आई थी। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेजिन और हार्डनर, और इसका जो रेशियो है वो इसके बॉटल पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि कैसे हमें यूज़ करना है। और मैंने ये मोल्ड मंगाया हुआ था जो ये हार्ट शेप वाला देख रहे हैं। इनका मैंने क्राफ्ट हॉल भी शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसे केयरफुली ग्लव्स वगैरह लगाकर यूज़ करें तो सही रहता है, क्योंकि ये हाथ पे चिपकने के बाद, वॉश करने के बाद ये निकलता नहीं है। तो बी केयरफुल और ग्लव्स ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। इसका रेशियो है 2:1 रेजिन एंड हार्डनर का। उसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो मिक्स करते टाइम इसमें थोड़े बहुत बबल्स हो जाते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे साइड रखते हैं तो वो बबल्स लाइक ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे इसे मिलाओ तो बबल्स कम आने के चांसेस होते हैं। यस, और इसके लिए वो रेजिन का कोई टॉर्च वगैरह भी आता है जिससे वो बबल्स निकलता है, बट मैंने अभी तक वो सब ट्राई नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने उसमें हल्का सा ग्लिटर मिक्स किया था क्लियर रेजिन में, एंड उसके बाद ये सीक्वेंस लेकर आई हूँ जो कि स्टार शेप में है और फ्लावर शेप में है कह सकते हैं। और ये लाइक मिक्स कलर में है, रेनबो टाइप शेड है, डार्क पिंक, पीच, ऐसे ये मिक्स है। तो ये बहुत ही प्रिटी सा, बहुत प्यारा सा ये सीक्वेंस है। और पहले मैंने थोड़ा सा रेजिन डाला एंड उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ पर सीक्वेंस चाहिए था वहाँ पर मैंने सीक्वेंस लगाया और उसके बाद रेजिन पोर किया है। तो जब हम रेजिन पोर करते हैं तो अंदर जो भी चीज़ जैसे हमने रखा हुआ, जैसे मैंने ये सीक्वेंस रखा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पे मैंने रखा हो वो उसी जगह पे हो। वो रेजिन डालने के बाद वो इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, आप समझ लेना मैं क्या समझा रही हूँ। एंड उसको मैंने फिर रेस्ट करने के लिए साइड रख दिया। रेस्ट इन द सेंस कि उसको सूखने के लिए हमें पूरे 24 आवर्स या 48 आवर्स चाहिए ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। लाइक 48 आवर्स में वो अच्छे से ड्राई होगा। और उसके बाद लिया है मैंने ये वुडन कीचेन का पीस। ये पूरा सेट ही मैंने पूरा बॉक्स ही मंगाया था, उसमें कीचेन और ये जो ये वुडन सर्कल है ये सारा कुछ पूरा सेट में ही आया था। तो मैंने इस पे पहले ही जेसो लगा के रखा हुआ है, जैसा आप देख रहे हो मैंने अभी जेसो नहीं लगाया है, ये वाला जेसो मैंने यूज़ किया था इसके लिए। और जब मैंने एग्जीबिशन का काम किया था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जेसो कर करके मैं रख रही थी कि मुझे पता नहीं था कि कब क्या बनाने वाली हूँ, तो ये सारी तैयारी तक के टाइम पे ही मैंने किया था। और उसके बाद लिया है मैंने ये डेकोपाज नैपकिन पेपर और डेकोपाज पेपर जो ये वाला है फिलामेंट पेपर, इन सबको यूज़ करके मैं आज इसके ऊपर पहले डेकोपाज करूँगी। तो जब हम डेकोपाज करते हैं ना किसी चीज़ पर तो उसके साइड से कटिंग रह जाती है, तो उसको मैं संभाल के रख देती हूँ अगर फ्लावर वगैरह हो तो। वही वाली कटिंग अभी एक पे मैंने यूज़ किया और उसको या तो डेको मैजिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडपॉज ग्लू से चिपका सकते हैं। और उसके बाद जो ये पेपर देख रहे हो आप, ये डेकोपाज पेपर, ये भी मैंने इट्सी बिट्सी से ही बाय किया था और आई थिंक इसको बाय किए हुए मुझे 3 ईयर्स हो गए होंगे। मैंने कोरोना के बाद ही ये सब बाय किया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैंने जब आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी रोज़ नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। तो नोएडा में इसका नया स्टोर खुला था ना, वहाँ से मैंने बाय किया था। और उसमें से एक बटरफ्लाई मैंने सर्कल कट किया और उसको स्टिक कर दिया, दूसरे पे अगेन मैंने डेकोपाज किया। और उसके बाद मैं इस तरीके से जो स्टिकर्स आते हैं पर्ल वाले, स्टोन वाले, उसको मैं लगा के देख रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फाइनल ये वाला किया पिंक स्टोन लगा के, बट ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। बट मुझे ये सारी चीज़ें ट्राई करनी थी कि ये बन के कैसा लगेगा।
तो ये फर्स्ट टाइम इस तरीके की चीजें कह सकते हो आप। डेकोपाज वाला तो मैंने पहले भी किया, इस तरीके का कोस्टर बनाया हुआ था मैंने, बट ये स्टोन लगा के मैं चेक कर रही थी कि कैसा लुक आएगा। और उसके बाद जो वो पहले वाले DIY से जो बचा हुआ रेजिन है वो ही इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं। और या जो डेकोपाज का काम किया था मैंने, उसको मैंने अच्छे से ड्राई होने दिया है, उसके बाद ही ये वाला प्रोसेस मैं कर रही हूँ। और इसके ऊपर इस तरीके से रेजिन अप्लाई कर दिया मैंने। तो जिसके ऊपर मैंने डेकोपाज किया है उसमें तो वो होल जो कीरिंग के लिए होल बना हुआ था इसमें वो हाइड हो गया था, तो इसकी वजह से रेजिन उसके ऊपर ही रहा। बट आप देख पा रहे हो जिस पे मैंने स्टोन लगाया है उसमें जो वो हाइड नहीं हुआ है उसका होल, उससे वो रेजिन बाहर तक फैल गया था जिसकी वजह से उसके नीचे भी चिपक गया। बट ये डेकोपाज वाला, ये देखो, ये बनके बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। मेरे कैमरे में इतना अच्छा नहीं आता, मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा क्यूट ये बटरफ्लाई ही लग रहा था और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया था। मैंने ये काम जो है ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वाला DIY किया था। और ये देखो इसके पीछे ना ये पेपर भी चिपक गया जिसके ऊपर मैंने रखा था कार्डबोर्ड के ऊपर, और लेकिन वो मैं अभी रिमूव कर दूंगी उसे। और ये देखो, ये मेरा बेटा एक्साइटेड हो रहा था कि मैं निकालूंगा तो रेजिन ड्राई होने के लिए। मैंने लाइक 1 वीक के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं वेकेशन पे शायद चली गई थी, तो ये ऐसे ही रह गया था। उसके बाद आने के बाद मैंने काम किया था तो काफ़ी अच्छे से रेजिन मेरा ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने ये कटर मंगाया है कि जब भी हम रेजिन का काम करते हैं ना मोल्ड में, तो साइड के एजेस थोड़े से शार्प होते हैं जैसे ये देख रहे हो, तो उसके लिए मैंने ये कटर मंगाया था। बट मुझे अभी अच्छे से ये यूज़ करना नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद ही आ पाएगा। और उसके बाद जो ये पेपर चिपका है उसको मैं ये हॉबी नाइफ से इस तरीके से रिमूव कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा सा वुडन का पीस है, बहुत ही शाइनी सा मटेरियल है, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, बट बहुत ही अच्छा सा था और वो इजीली उससे हट भी गया। और ये देखो, जब आप रेजिन का काम करते हो तो उसको हमें कभी भी धोना नहीं चाहिए पानी से उस टाइम पर, अगर आप छोड़ दोगे तो वो इस तरीके से निकल जाएगा स्टिक के साथ और आपका जो भी प्लास्टिक कंटेनर यूज कर रहे हो वो क्लीन हो जाएगा। यस, और उसके बाद मैंने ये ड्रिलिंग मशीन भी मंगाई हुई थी। इन सब का क्राफ्ट हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने कहाँ से लिया था। और उसके बाद जो ऑलरेडी होल किया हुआ था कीरिंग के लिए वहाँ पे रेजिन आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे ये ड्रिल दोबारा से करना पड़ रहा है इसमें। और ये जो ड्रिलिंग मशीन है इसमें जो ऑन एंड ऑफ बटन है वो आपके थंब के पास ना देके वो वायर पे दिया है, तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे यूज़ करने में। इन सब चीज़ों को मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी सारा ये कीचेन सिल्वर गोल्डन इन सब में मंगा के रखा हुआ है, तो मैं अभी देख रही हूँ कि किस में कौन सा मैच करेगा। और जो ये वुडन वाला पीस है इसमें तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये की रिंग और उसके साथ ये एक्स्ट्रा रिंग ये सब दिया हुआ है, तो बस आपको इस पे पेंट करना चाहो तो पेंट कर सकते हो, जैसे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो मैंने इस पे यही सोचा मुझे अच्छा लगेगा, आई डोंट नो पेंट करके मैं क्या ही डिज़ाइन बनाती इस पे। बहुत ही लाइट वेट भी है ये जो वुडन का पीस है, तो रेजिन वर्क होके ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये सारे टूल्स वगैरह सब कुछ मैंने बाय किया है, जो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था उससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाईज अपने मंगवाए थे मैंने, उन सब का हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही मुश्किल से मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट मिला है जहाँ से ये चीज़ें चीप रेट पे मिल जाती है, लाइक स्विट्ज़रलैंड से वहाँ चीप मिलता है मुझे, तो वहीं से मैं ऑर्डर करती हूँ। और अभी एक और हॉल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये रिंग को अटैच कर दिया है इसमें, आप बताना आपका फेवरेट इनमें कौन सा है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये स्टोन वाला थोड़ा कम पसंद आया मुझे और ये थोड़ा सा किडिश लग रहा है देखने से। और बाकी सारे जितने भी ये डेकोपाज के साथ मैंने बनाया और जो डायरेक्ट वो रेजिन से बनाया था वो बहुत ही प्यारा बन के आया,
और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बेस पे रख के ट्राई कर रही थी कि किसी पे तो ये कलर अच्छे से रिफ्लेक्ट हो, अच्छे से दिखे, बट सब में ये देख सकते हो आप कि कैसा ही डल आया है मेरे फ़ोन के कैमरे में, बट मैं कुछ कर नहीं सकती। ये कैमरे की लाइट ऑटोमेटिक चेंज होती है जो भी चीज़ें बेस में रखी हो, ब्राइट कोई कलर है, येलो कोई कलर है, तो ये ऑटोमेटिकली वार्म हो जाता है। बहुत ही मुश्किल है इसके साथ काम करना, बट नो ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ ही मुझे काम करना पड़ता है। और इसमें मैंने गोल्डन की चेन लगाया और बहुत ही प्रिटी लग रहा था ये हार्ट वाला। और उसके बाद मैंने कुछ चार्म्स वगैरह भी मंगाए थे, अभी वो भी लगा दूंगी तो और भी प्यारा लग रहा था। ये देखो, ये मैंने अपना पिटारा निकाला और ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वाले एग्जीबिशन के टाइम पे मंगवाया हुआ था, वो मैं इसमें रख के देख रही हूँ कि कौन सा टसल वगैरह जाएगा। तो गोल्डन गोल्डन चीज़ें ज़्यादा थी मेरे पास, तो जिसमें गोल्डन की चेन मैंने लगाया है उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें लगाने के लिए हो गई थी, बट ये वुडन वाला जो पीस है डेकोपाज वाला, इसमें सिल्वर की चेन मैंने लगाया था और ये देखो क्या हुआ, ये जो बॉल था उसका वो निकल कर आ गया रिंग वाला एरिया और उससे सीक्वेंस बाहर निकल गए। तो हाँ, जिस पे मैंने ये सिल्वर की चेन लगाया है तो सिल्वर में मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, लाइक थी नहीं उसमें बॉक्स में कोई चार्म्स वगैरह जो मैं इसमें लगा सकूँ। तो ये अभी नया ऑर्डर मैंने मंगवाया हुआ था, उसमें ये क्यूट से चार्म्स मैंने मंगाए हैं, जो ये आप देख रहे हो मशरूम वाला, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने सोचा चलो लगा के देखते हैं अच्छा लगता है या नहीं। तो ठीक ठीक ही लग रहा था, मैंने लगा दिया, आप बताना आपको अच्छा लगा या नहीं। बहुत ही क्यूट है ये मशरूम वाला जो चांस है ना, और भी मैंने बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें मंगवाई है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं स्टॉल पे, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें। और या ये सारी चीज़ें तैयार हो गई तो अब इसे प्रोफेशनली हम पैक भी कर देते हैं ताकि एक अच्छा सा लुक आए, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखे ये। और ये रहा, इसको मैंने कार्ट पे लगा दिया। ये सारी चीज़ें मैंने मंगा के रखी हुई है क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं एग्जीबिशन के लिए पैक कर देती हूँ साथ के साथ। और इस साल का एक और लास्ट एग्जीबिशन बचा हुआ है, वो इस मंथ में ही होगा शायद, और उसके लिए मुझे काफ़ी सारे DIY अभी बनाने हैं, तो बैक टू बैक काफ़ी इंटरेस्टिंग DIYs आएंगे। और काफ़ी दिनों से मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी नहीं किया है, वो भी मैंने सोच रखा है, वो भी एग्जीबिशन के लिए ही बनाऊंगी, वो मेरी खुद की चीज़ होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIYs और आएंगे इसके बाद, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और आज इन सारे की चेन में से आपका फेवरेट कौन सा था आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे लगे आज के DIY आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही प्रिटी की चेन बने हैं और मैंने इसका फाइनल शूट अब तक नहीं किया था बाहर धूप में, जो आप अभी देख रहे हो ये मैंने अंदर लाइट में की है जिसमें कि अच्छी लाइट नहीं आई है। और पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया था फाइनल शूट, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तब मुझे ध्यान आया। तो यस, आज का DIY अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।